देश भर के तेल तिलहन बाजारों में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सीपीओ सहित पामोलिन के तेलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल विदेशों में सोयाबीन और पाम तेल के दाम 50 से लेकर 100 डॉलर प्रति टन तक मजबूत हो गए हैं, जिसके कारण घरेलू बाजारों में भी चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। सूरजमुखी और मूंगफली का तेल सरसों से महंगा है। हाजिर बाजार में सरसों तेल का भाव मूंगफली और सूरजमुखी से लगभग 20 रुपए किलो सस्ता मिल रहा है। कम भाव पर बिकवाली नहीं करने, साथ में विदेशों में तेजी के समर्थन से सभी सरसों तेल तिलहन के भाव में सुधार देखने को मिल रहा है। उधर सरकार ने शुक्रवार को कच्चा पाम तेल पर आयात शुल्क को घटा दिया है, जबकि पामोलिन और सोयाबीन डिगम पर आयात शुल्क मूल्य में वृद्धि की गई है। बीते सप्ताह भी हमने देखा था कि खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली थी। सरसों दाने का भाव 100 रुपए सुधर कर 7315 से 7365 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया, तो वही सरसों दादरी तेल 200 रुपए बढ़कर 14,800 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं सरसों पक्की घानी और कच्ची घानी तेल की कीमतों में भी 40-40 रुपए की तेजी पिछले सप्ताह देखने को मिली थी। इसी तेजी के चलते सोयाबीन दाने में भी 85 रुपए की तेजी देखने को मिली और लूज के थोक भाव में 110 रुपए की तेजी दर्ज की गई। दरअसल त्योहारी मांग के निकलने के चलते कीमतों में सुधार देखने को मिला था। वहीं गुजरात की मांग निकलने और दाम ऊंचा होने के कारण मूंगफली तेल तिलहनों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पिछले कारोबारी हफ्ते में भी सोयाबीन तेल की कीमतों में सुधार दर्ज किया गया था। सोयाबीन दिल्ली का थोक भाव 450 रुपए के उछाल के साथ 13,700 रुपए पर कारोबार करता दिखाई दिया, तो वहीं इंदौर में भी भाव 300 रुपए सुधर कर 13,450 रुपए पर पहुंच गया, जबकि सोयाबीन जीगम का भाव 300 रुपए बढ़कर 12,250 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करता दिखाई दिया। फिलहाल बाजार में आयात होने वाले खाद्य तेलों के भाव दबाव में है, जबकि आगामी आयातित तेलों के भाव इससे भी कमजोर होंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। ऐसे में देश को तेल तिलहन बढ़ाने की ओर प्रेरित करने के लिए जरूरी है कि देश के किसानों को उनकी उपज के वाजिब दाम मिले और सस्ते आयात के मुकाबले देशी तेल तिलहन बाजार में टिक सके। अभी सोयाबीन, बिनोला और मूंगफली की फसलें आने का समय नजदीक हो चला है, इसे देखते हुए समुचित प्रबंधन करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है, ताकि देशी तेल सस्ते आयातित तेलों से प्रतिस्पर्धा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।